विराट बोलो, विराट बोल बोलो। हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग रात के 9:30 बजे छुट्टी करके आके पर शुरू कर रहा हूँ, और थक गया हूँ यार, और भूख लग रही थी, और खाना वाना खाने जा रहा हूँ। और यार मैंने आज एक बात का एहसास किया कि मैं ना सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक काम पे लगा रहता हूँ। मेरे को ना बोरिंग सी ज़िंदगी लगती है, क्योंकि ना फैमिली को टाइम दे पाता, ना बाहर घूम पाता, एकदम चार दीवारी के अंदर मशीन चलाते रहो, काम करते रहो 12 घंटे, तो मतलब बोरिंग सा लग रहा है, इसलिए व्लॉग भी नहीं बनाता। देखो मैंने इसलिए आज अभी शुरुआत किया है। तो मैंने कल से डिसाइड किया है कि कल सुबह 8 या 7 बजे काम पे, 7-8 बजे 9 बजे काम पे निकल जाया करूँगा, और शाम के 4-5 बजे छुट्टी कर लिया करूँगा, और शाम को अपने फैमिली के साथ टाइम बिताया करूँगा। क्योंकि ना मेरा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी मतलब बोरिंग सी लग रही है, कि यार मतलब फैमिली से मिल ही नहीं पाता, ना बहन से ना वाइफ से। तो मैंने कल डिसाइड किया है कि सुबह सुबह पार्क भी जाऊंगा कल से, तो देखते हैं ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोशिश तो पूरी रहेगी मेरी। बाकी बस खाना आ गया है अपना, मैंने अपनी वाइफ से बोला था दाल चावल चाहिए, दाल रोटी लेके आ गई मेरी वाइफ। दाल चावल लाओ ना, चावल गए हम, पहले रोटी खा लो फिर चावल। मेरी वाइफ ना इतनी केयर करती है नहीं कि भाई मैं चावल खाता हूँ ना, तो बोलती है कि रोटी भी खाओ, चावल मत खाओ। इतना तो मम्मी भी केयर नहीं करती, मतलब फेरती है, मतलब मम्मी ये नहीं बोलती, कि मम्मी बोलती है जो अच्छा लगता है वो खा ले तू। तो चावल से खाओ, ये खाली चावल खाएं, खाली चावल शरीर में देख रहे होगे, रोटी भी खाओ चावल से, खाओ होते कुछ होते कुछ ना होते, रोला ही होगा, इतनी केयर क्यों कर रहे हैं, केयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन चावल खा ली नहीं रोटी खाओ। मेरे को भाई देखो, मेरे को ना चावल के सामने रोटी, मेरे को मन ही नहीं करता, रोटी खा लेता हूँ पर चावल होते हैं ना तो रोटी मन ही नहीं करता खाने का। और मेरी वाइफ का कहना है रोटी भी खाओ दो तब चावल खाओ। दर्द सी कर रही है यार छाती एकदम, पता नहीं क्यों, अरे बैठ ही रहा देंगे ना यार, कमर उमर सब दर्द करने लग गई। तो भाई कल से वही है यार, जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा दिया करूँगा, 4-4:30 बजे तक करूँगा, उसके बाद नहीं करा करूँगा, और बस ना भाई चावल खाता हूँ, मेरी वाइफ नहीं खाती है, मैं खुद ही भी लाता, चनाल सी हूँ मैं, फोन चलाता रहता हूँ, यहाँ अपने चावल भी नहीं खाते। मिर्च नहीं खाया ना, मिर्च निकाल दो, टमाटर है ना, तो मिर्च है भगवान के लिए, ऐसी है ना। हाँ एक चीज़ बता दूँ, मैं रात को सोया था ये सोच के कि सुबह पार्क जाऊँगा सुबह 6-7 बजे, मेरी वाइफ ने उठाया भी मुझे, मैं नहीं गया, क्योंकि भाई सच बता रहा हूँ ये 12 घंटे काम करता हूँ ना, मैं रात को ये सोचता हूँ कि यार पार्क जाऊँगा, मैं मतलब फिटनेस पे बहुत फोकस करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था पार्क जाऊँगा व्लॉग भी बना लिया करूँगा, सुबह सुबह व्लॉग भी अच्छा होगा, माइंड भी अच्छा होगा। पर रात को सोया, और भाई सुबह जब उठने की बारी आती है ना, उठ तो जाता हूँ टॉयलेट करने के लिए, फिर सो जाता हूँ, क्योंकि भाई 12 घंटे के बाद थकावट इतनी जोर की होती है ना, शरीर वरीर बिल्कुल दर्द करता है, तो मन ही नहीं करता, शरीर जवाब ही नहीं देता भाई सुबह उठने के लिए, ऐसा है इसीलिए नहीं उठ पाया था, इस चीज़ का फिर बाद में अफसोस होता है। देखो मैं सुबह सुबह नहा के तैयार हो गया हूँ, वैसे मैं आज नहाना नहीं चाहता था, फिर मैंने इससे थोड़ा सा पंगा ले लिया, इसकी चोटी पकड़ के खींच दी, फिर इसने ज़बरदस्ती पानी डाल दिया, तो मजबूरन मेरे को नहाना पड़ा, वरना मैं रोज़ रोज़ नहीं नहाता। और आज की ताज़ा खबर, काजल का चेहरा देख लो, इसके दाने दाने हो गए हैं, दाने दाने बढ़ गए हैं, और काजल ने ट्यूशन छोड़ दिया है ना, और मिली है अपनी कोमल दीदी से, हाय कोमल दीदी। मम्मी वेलकम बैक, 2 दिन बाद, 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, कुछ बोलना चाहोगी? अब पूछो क्यों मारा मैंने, पता क्यों मारा मैंने, क्यों मारा जल्दी बता, मैंने क्यों मारा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गाने चला रही है, कॉपीराइट आ जाएगा, कहाँ फोकस करना है। चलो भाई मैं भी निकल रहा हूँ काम के लिए, और देखो आज हीरो लग रहा हूँ, हीरो लग रहा है ना, लग रहा है, एले भी बोल दो, बोल एले भी ना बोलियो, फिर का हीरो सुधर जा।
और भाई हमारी दीदी पता नहीं किससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गई हैं, इनको जिम करने का शौक चढ़ गया है। कब से चढ़ो मम्मी? पिछले तीन दो तीन महीना से ना। तो इसको मैं जिम में ले जाऊंगा एक दो दिन ट्रायल के लिए। अगर इसने बोला, इसकी आत्मा जवाब दी कि करूंगी, तो इसको भर्ती करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 रुपए लगने हैं। कोई मोटी हो है वो करे चल भाई। पता नहीं पर जिम करने को कारण का है। फिगर है? फिगर ए उठ बोले तो शर्म ना। दूध फैला दिए इसने थप्पड़ मार के। अब लो लोवर बेकार हो। अब इनसे नीलो वाले दिखवाओ। नहीं लड़कियां ऐसे ले तो जाती भाई, लड़कियां इसीलिए जाती है, मैंने सुना है फिगर विगर के लिए बस। तू किस ले जा रही है, एक बात बता, जल्दी बता। क्यों बताए? बाल बता देंगे, ब्लॉग बनाते हैं। बस जल्दी बता, बता ना। शौक है किस चीज के लिए? देखो भाई मेरा जिम का शौक था भाई, मेरे डोले वोले बने, मतलब दिखने में अच्छा हूँ, तगड़ा हूँ, किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको पेल दूँ, ऐसा मतलब। इसलिए मैं मतलब मैंने इसलिए ज्वाइन करी थी। अब तू बता, तूने मैं सोच रहा था ना, मेरे कपड़े ढीले आते थे पहले, मैं सोच रहा था टाइट आए कपड़े सारे, तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन करी थी। तू किस लिए कर रही है, बता जल्दी बता। भाई शौक है। किस चीज के लिए? हाँ किस चीज के लिए मतलब क्या शौक है? आप बताना भाई, आप जिम क्यों करते हो और क्यों नहीं करते? और भाई बहुत दिन से हमने मोहिनी से नहीं मिलाया, जब से विराट आया है ना, तब से मोहिनी को सब लोग भूल गए। मोहिनी को कोई भाव नहीं देता। हाय, आप लोगों से मुझे एक सलाह चाहिए। काजल ना परेशान है, हम भी परेशान हैं काजल से। हम चाहते हैं, देखो इसने पढ़ाई में इतना पैसा भूख लिया और पढ़ाई भी कर दी नहीं है ढंग की, पर इसको पता नहीं कौन क्या सिखाता रहता है, जिम का नशा चढ़ गया है। अब जिम से पता नहीं क्या फायदा होगा। इसकी साथ की जो भी लड़की है ना, जो इसके साथ स्कूल पढ़ती थी, सब कहीं ना कहीं जॉब कर रही है सब ना। अरे इसका कहना यह है ससुराल में जाएंगे सबके हाथ पैर तोड़ेंगे। इसका कहना यह है कि भाई मतलब मैं ना मतलब देखो इसके साथ की जो भी लड़की है सारी जॉब लग गई और सब डिपेंडेंट है ज्यादातर, और ये घर में पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ रही है मम्मी की फ्री की, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कुछ ऐसा सीख जिससे तू पैसा कमाए चार, वो भी इसे सीखना नहीं है, पढ़ाई से करनी नहीं है, पता नहीं क्या चाहती है, और बस जिम 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 इसमें इसके मन में घुसा है। कोमल ने तो सिलाई सीख रखी है, फिर भी कुछ मतलब इमरजेंसी आई तो ये कपड़े सिल के लोगों के पैसे कमा सकती है। कर रही है, सही बात बोल रहे, प्राउड ऑफ यू कोमल। पर तेरा क्या हुआ कालिया? तो आप इसको सजेस्ट करो, वही तो कह रहा हूँ, इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो सीखने की इच्छा होती है। अभी देखो, अभी सुनो, मेरे से मम्मी बोल देना कि तेरे को क्या करना है लाइफ में, क्या सीखना है, तो मैं भाई ट्रैवलिंग करने लग जाऊंगा और भाई वीडियो बनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा शौक है। अब इसको मम्मी कुछ चल, इसको मम्मी बोल दें, हम बोल दें चल तेरे को क्या सीखना है इससे, जिससे तू मतलब अपने लाइफ में अच्छा कर सके, करियर बना सके, तो क्या करेगी बोल? सोने। चलो भाई होगी ऐसी जॉब तो बताएंगे, और बाकी कोमल का तो हो जाएगा, कोमल की तो दुकान वकान खुल जाएगी आगे पीछे। कोमल सही है, अब देखो अब कोमल सुधरती जा रही है और ये बिगड़ती जा रही है। कोमल सुंदर भी होती जा रही है, देखो कोमल के दाने भी नहीं है एक भी, सुंदर होती जा रही है और इसके दाने बढ़ते जा रहे हैं, बदसूरत होती जा रही है, फर्क देख रहे हो? और कोमल का जो गलफड़ा था वो भी ठीक हो गया है, गले में गलफड़ा। कोमल ना एक बात तो देखा मैंने, जब से ना विराट आया ना घर पे, कोमल खुश रहती है, उसी में मस्त रहती है अपने। ये देखो विराट नंगा है, आधी दिखा देता हूँ। हाँ मेरी जान, मम्मी भी फुल खुश रहती है। मोहिनी को भूल गई मम्मी, इसके आते बिल्कुल भी खिलाती है। विराट बोलो, विराट ओए बोल बुआ, तू बोल। तो
कौन चाहिए? देखो दोनों स्कोर हुए थे आज। फोन मांग रहे जिससे वीडियो बना रहा हूँ, फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ ना। बुआ बोलो, बुआ आओ सालो। बोलो विराट बुआ, क्या बनाया मम्मी? विराट बड़े हो गए। अब विराट पहले बड़े तो हैं, फिर इनको किसमें शौक है? मम्मी मम्मी और तो दोनों रहेंगे, एक तीसरी जा रही। अच्छा जी, दोनों है? क्या लगता है देखो, आप बताना मुझे, आप बताना मुझे इन दोनों में से सबसे अच्छा भविष्य किसका रहेगा? ठीक है, अभी की स्थिति देख के कमेंट में बताना। काजल के लिए एक लिखना और कोमल के लिए दो, ठीक है? देखते हैं आपकी क्या राय है। कौन चाहिए भाई, कौन? और कोमल पहले जैसी नहीं रही, अब थोड़ी इज्जतदार और संस्कारी लड़की बन चुकी है। कैमरा बंद होने के बाद कोमल बता दे अपनी सच्चाई। मम्मी जान दे ना। अरे जा, चलो मैं भी जा रहा हूँ, 9:30 बज गए। हाँ जा, 6 बजे ले जी एडमिशन करवाएगी। अरे जो कपड़ा दे लेते जब जाए वहाँ केदारनाथ, साइकिल से ना, साइकिल से। चलो भाई साइकिल से। एक भाई का ना कमेंट आया कल की वीडियो में कि भाई रिस्की है बहन के साथ ऐसे जाना, तो डर गया थोड़ा सा मैं, पर सावधानी से जाऊंगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है यार, बजट बना के जाऊंगा। और जहाँ हमें लगेगा सेफ नहीं है वहाँ, तो मतलब जहाँ लोग होंगे वहाँ रुक जाएंगे होटल वोटल लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रो। और दिन दिन में चलाएंगे हम साइकिल, रात को नहीं चलाएंगे। आपके क्या राय है इसमें, क्या बोलना चाहोगे? जल रही है तो उसे? हाँ सुंदर है ना इसलिए। हाँ सुंदर है जी, तो कुछ ज्यादा ही बोल गई, सुंदर है। अच्छा इन दोनों में से सुंदर कौन है? चलो कंपटीशन हो जाए आज, सुंदर है। देखो 10 में से नंबर देने हैं, अगर 10 में से काजल को कितने नंबर दोगे और कोमल को 10 में से कितने नंबर दोगे? देखो काजल को जो भी नंबर दोगे ए लिख देना और नंबर दे देना, और कोमल को जितने नंबर दोगे बी लिख देना और नंबर लिख देना, ठीक है? देखता हूँ आज। ले मम्मी ने दे दिया यहीं पे, काजल के 10 में से 5 और कोमल के 10 में से 9। मैं देता हूँ देखो ऑनेस्ट, काजल की अभी की कंडीशन के हिसाब से काजल के 10 में से 7 नंबर, क्योंकि वो तो दाने आते जाते रहते हैं। दाने मेरी ना, क्यूटनेस है। और कोमल के भाई सच बताऊंगा तो 9 नंबर है भाई सच में, क्योंकि उसके दाने वाने कभी निकलते नहीं है, अभी भी है नहीं। और कोई लड़के वाले आए ना तो सबसे पहले कोमल को ही पसंद कर लेंगे वो। अरे हाँ बस जब से देंगे झूठी तारीफ हो रही है। झूठी तुम बताओ, तुम कोमल को कितने नंबर दियो जल्दी? जी नहीं बोल सकती। बताओ काजल को कितने नंबर 10 में से? 10 में से 2। एक तरफा। चलो भाई जा रहा हूँ काम पे, 10 बज गए और मेरे ना चाहते हुए भी वाइफ ने जबरदस्ती खाना खिला दिया, तो वाइफ को ना केयरिंग के मामले में 10 में से 10 नंबर दूंगा। अगली जन्म में ना मेरे को ना कोमल जैसी वाइफ मिले, है ना? अगले जन्म में किसी जन्म में मिल जाए ना, घर में ही है। देख ले कोमल करी शादी। हाँ मम्मी, कोमल की जैसी सुंदर वाइफ हर किसी को मिले, सुंदर ना आएगी हैं? मेरी तरह कोमल बोलेगी, कोमल नहीं काजल भी सुंदर है यार। देखो मैं जब लद्दाख गया था ना तो मेरी वाइफ ने चैनल बनाया था अपना यूट्यूब का, और मेरी याद में वीडियोस बनाई थी, दिखाता हूँ आपको। यही वीडियो देख के मेरा दिन कटता था। चैनल है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, 1 मिलियन करवा दो इस पे, ठीक है? 3 2 16।
ये देखो हंसने लगी। हाँ तो क्या देखो ये वीडियो बनाई थी। एक ये बनाई थी सबसे बेस्ट ये लगी थी मेरे को। सही है ना? सही बात है। तुम्हारे महबूब जैसा इस जमाने में कोई नहीं है, ना होगा। चलो ये बातों बातों में घर पे इतना टाइम पास हो गया। मैं 9 बजे तैयार हुआ था, फिर मेरे मना करते करते मेरी वाइफ ने खाना ला के दे दिया, फिर ज़बरदस्ती खिला भी दिया, फिर बात करते करते 10:30 बज गए। और अब जा रहा हूँ बच्चों वाली टॉफी खाते हुए। तो चलो, मैं ऐसे यार कभी कभार मेरा मूड अपने आप ठीक होता है, कभी कभार मूड ख़राब होता है। तो मूड ख़राब होता है तो मैं ब्लॉग ही नहीं बनाता। मैं सोचता हूँ क्या दिखाऊँ आपको, मतलब मैं अपना उदास चेहरा क्या वही दुखड़े सुनाऊँगा आपको अपने, तो इससे बढ़िया ब्लॉग ही नहीं बनाता मैं। आज मेरी कोशिश है कि मैं जो 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ वो 12 घंटे की ड्यूटी को 6-7 घंटे में जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दूँ, फिर घर जाऊँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मज़ा आता है मुझे इस चीज़ में। और मौसम देखो पता नहीं कैसा हो गया, धूप चली गई, बढ़िया हो गया कुल मिला के, बात ऐसी है। और बातों ही बातों में मैं फैक्ट्री पर आ गया। और अंकल जी अब ये वाला ब्लॉग एंड करता हूँ, और ये वाला ब्लॉग अब मैं डालूंगा 7 मई को यूट्यूब पे, और 7 मई को ही शूट किया है और 7 मई को ही डालूंगा, क्योंकि 6 मई को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो 7 मई को 7 मई का ब्लॉग बना के 7 मई को ही डाल रहा हूँ। अभी तो 1 बज गया है, फैक्ट्री में हूँ मैं। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं। और थैंक यू यार भाइयों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखता हूँ मैं यार, मतलब मैं बोरिंग ब्लॉग भी बनाता हूँ ना तब भी लोग मेरे को ना हौसला बढ़ाते रहते हैं, कमेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते रहते हैं, तो वो देख के ना दिल खुश हो जाता है कि हाँ यार मेरे जो मतलब बेशक कम लोग देखते हैं मेरे को, 100-150-200, पर भाई वो भी दिल से देखते हैं मेरे को, तो इस चीज़ की खुशी है। थैंक यू भाइयों। और बस यार मेरी कोशिश रहती है आपको हंसाऊँ, आपको नई चीज़ दिखाऊँ, आपका टाइम पास कराऊँ, और मतलब आपको वैल्यू दूँ, तो ऐसी कोशिश रहती है। बाकी देखते हैं क्या होगा। चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और थैंक यू यार, आप सभी ऐसे प्यार दिखाते रहो। थैंक यू भाई, ठीक है, मिलते सीधा अगले ब्लॉग में, बाय।